नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। इस समय देश में कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, जिसमें एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी हार की समीक्षा करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और उसके साथ साथ उनके कुछ और पदाधिकारियों ने बेहद आक्रामक तेवर अपना रखे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए की सरकार है, उस सरकार में हिस्सा या एनडीए के हिस्सा रहे जो दल हैं, उनके भी बड़े नेताओं ने हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ना शुरू कर दिया है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जिम्मेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी ये बात कहना शुरू हो चुकी है या कही जाने लगी है कि 400 पार के नैरेटिव ने भारतीय जनता पार्टी की लुटिया को डुबोने का काम किया है, इस चुनाव को हराने का काम किया है। यानी ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं एनडीए गठबंधन में, वो सारे दल और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सारे इन सारे लोगों ने समय भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और ये सारे लोग अब इस हार का जिम्मेदार जो है वो मोदी और शाह को उनकी रणनीतियों को मानते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बात पूरे चुनाव में कहीं हुई नहीं, बात केवल और केवल मोदी की होती थी, मोदी की सरकार और मोदी की गारंटियां। ऐसे में अब हार का जिम्मा भी पहली बार पिछले एक दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है जब हार की जिम्मेदारी मोदी और शाह के कंधों पर डाली जा रही है। तो ये जो सारे घटनाक्रम है वो कितने अहम है और इनके क्या मायने हैं, आज इसको समझा जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, आतंकजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। मैं सीधे एक सवाल शुरुआत करूं मोदी जी को लेकर के ही। सर ये चुनाव जो है वो मोदी जी का चुनाव था, मोदी जी की ही बात थी। भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक ये कह रहे हैं कि मोदी जी की बदौलत ये चुनाव इस चुनाव में जीत मिली है, लेकिन तमाम विश्लेषकों का मानना है, तमाम बड़े पत्रकारों का मानना है, भारतीय जनता पार्टी के भी एक बड़े धड़े के साथ साथ संघ का भी ये मानना है कि ये हार जो है वो मोदी की हार है। ऐसे में क्या माना जाए, मोदी कमजोर हुए हैं? क्योंकि पिछले एक दशक में जिस तरीके का हिसाब किताब बना था उसके लिहाज से क्या तस्वीर देख रहे हैं आप मोदी जी की, बतौर प्रधानमंत्री बतौर भाजपा नेता? देखिए, अगर आप इलेक्शन की बात करें, 1977 में जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद इलेक्शन लगाया गया था तो वोटरों ने क्या किया था, इमरजेंसी को नकार दिया था। इंदिरा गांधी भारी बहुमत से इलेक्शन हार गई थी क्योंकि उन्होंने अथॉरिटेरियनिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर रखा, उन्होंने मीडिया गैग लगाया, उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों को जेल में बंद कर दिया और इलेक्शन से तुरंत पहले उनको रिहा किया, और उन्होंने इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया, डर का माहौल पैदा कर दिया कि मीडिया, कार्यपालिका, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई भी आदमी जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ ना बोल सके। ऐसा ही डर का माहौल पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कायम किया, चाहे वो ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा ऑपोजिशन रूल गवर्नमेंट्स को प्रताड़न करने का, दो चुनिंदा इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सीएम्स को अरेस्ट करना, हेमंत सोरेन को एक पुराने केस में, ये कोई नया केस नहीं था, ये पुराना केस था, पुराने केस में अरेस्ट करना, लिकर पॉलिसी, 100 करोड़ की लिकर पॉलिसी के स्कैम में, यहाँ लाखों हजारों करोड़ रुपए के स्कैम्स होते हैं और डेली होते हैं, और 100 करोड़ की लिकर पॉलिसी स्कैम में आपने 3 चुने हुए लेजिस्लेचर्स को जेल में डाल दिया, उसमें डिप्टी सीएम भी है, सीएम भी है, उनके पहले उनके एक मंत्री भी है, और संजय सिंह भी थे उसमें, खैर संजय सिंह को छोड़ दिया गया, अभी और लोगों को भी अरेस्ट किया जाना था, कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रोसेस और ऑन हो गया, उसके बाद वो छूट गए। 1977 में इंदिरा गांधी का जो 20 सूत्री कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटियों से मिलता जुलता था। उस 20 सूत्री कार्यक्रम को 1977 में पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, हालांकि जनता सरकार के बाद जब दोबारा सरकार नवासी में आई तो वही 20 सूत्री कार्यक्रमों को एक्सेप्ट किया गया, पर उस समय 1977 में 20 सूत्री कार्यक्रम को रिजेक्ट कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं उस मोदी की गारंटी का आपको देता है कि मोदी की गारंटी भी रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि किसी भी मोदी की गारंटी को पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया। बीजेपी को पब्लिक ने, वोटर ने एक लेसन तो सिखा दिया, पर उनका अहंकार, उनका अहम, उनकी ईगो अभी तक वो तोड़ नहीं पाए, और इसी का उल्लेख आरएसएस में, मोहन भागवत में, या उनके आरएसएस से संचालक जो इंद्रेश कुमार है उन्होंने किया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि इस सरकार के अहंकार ने और राम के पथ पे ना चलने पे
240 या 241 सीटों पर सिमट जाने का जो कार्यक्रम हुआ, ये मोदी की नैतिक हार है, उनकी मोदी की गारंटी की हार है, और मोदी का जो ये अथॉरिटेरियन रूल है जिसमें ईडी सीबीआई द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया गया उसकी हार है। और जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो और देश की व्यवस्थाएं कार्यपालिका हो, जिस तरीके से उनको मजल करके सिर्फ ऑपोजिशन को प्रताड़ित करने के लिए यूज किया गया, उसका ये नतीजा है कि इन सारी पॉलिसीज को पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने मोदी जी को मजबूर कर दिया कि बैसाखियों के सहारे वो अपनी सरकार बनाए। हालांकि वो उसको रेफरेंडम मान रहे हैं, मैंडेट मान रहे हैं, पर ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के खिलाफ मैंडेट और वोट पड़ा है। जी संघ की जो लड़ाई है, हालांकि इसमें एक आरोप संघ के ऊपर ये भी लग रहा है कि संघ कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। खैर, इस बीच में उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर है सर, मोहन भागवत साहब और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर के। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जो एक फॉर्मूला लगाया था, जो एक सिगुफा उन्होंने छोड़ा था कि मोदी जो है अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए वो ग्राउंड तैयार करने का काम कर रहे हैं, और जब चुनाव में सरकार, चुनाव के बाद अगर सरकार बन जाती है तो 17 सितंबर को मोदी जो है वो हैंडओवर कर देंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी अमित शाह साहब को। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ से मोहन भागवत की ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट मानते हैं आप, साथ ही साथ इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हो सकते हैं? जो आपका सवाल दो भाग में है, पहले लीडरशिप इशू को लेकर है, मैं उसको एड्रेस करूंगा। लीडरशिप इशू में आप ये बताइए, बीजेपी में टोटल बैंक्रप्सी है। आज जेपी नड्डा को मंत्री बनाए जाने के बाद अभी तक बीजेपी संसदीय दल की कोई बैठक नहीं हुई। मैं तो ये यहां तक कहूंगा कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक एनडीए की जो बैठक हुई थी जिसमें 293 एमपीस के सपोर्ट से सरकार बनाई गई, उससे पहले इनके 240-41 एमपीस की संसदीय दल की बैठक होनी चाहिए थी। उसमें संसदीय दल का नेता चुना जाना चाहिए था और ये तय किया जाना चाहिए था बीजेपी आगामी 5 साल में किसको अपना अध्यक्ष बनाएगी, अगर जेपी नड्डा का उन्होंने फैसला कर लिया था उनको मंत्री बनाने का। पर उनकी इतनी आप समझिए लीडरशिप बैंक्रप्सी है कि अभी तक वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी की जो पार्टी है उसका अध्यक्ष कौन रहेगा अगले 5 साल के लिए। और जो बात आपने अमित शाह की, क्या अमित शाह पे कंसेंसस है संसदीय दल का? अगर 240 लोगों की आप संसदीय दल की मीटिंग आज बुला लें, मैं आपको लिख के दे सकता हूं 200 मेंबर पार्लियामेंट अग्री नहीं करेंगे अमित शाह के नाम पर। और एनडीए तो आप भूल जाइए, 293 संसदीय दल का जो दल है एनडीए का, वो तो बिल्कुल भी अग्री नहीं करेंगे क्योंकि टीडीपी को उन्होंने प्रताड़न किया, नायडू को जेल भेजा, नीतीश कुमार अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से खुश नहीं है, तो उनसे खुश है कौन, बात यह आ जाती है। और दूसरी बात जो आपने कही आकलन करने का, मोहन भागवत जी ने गोरखपुर में आज मीटिंग रखी है योगी जी के साथ जिसमें ये समीक्षा की जा रही है कि कौन जयचंद थे जो जिन्होंने बीजेपी को हराया इलेक्शन में। हालांकि आरएसएस ने इसमें भाग ही नहीं लिया, अगर आप देखें आरएसएस के पन्ना प्रमुख या आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बड़ी सीरियस राय थी कि आप लोग कैंपेन करने नहीं उतरेंगे। उसका प्रमुख कारण ये था कि 200 सीटों पर बीजेपी के जो लोग नहीं है, ना वो आरएसएस द्वारा प्रायोजित है ना बीजेपी पार्टी से आते हैं, उन लोगों को टिकटें बांटी गई जिसमें 160 सीटों पर बीजेपी हार गई। तो उन डर्न कोर्ट्स को टिकट देने का काम किसने किया? मोदी और अमित शाह ने किया। तो क्योंकि मोदी अमित शाह ने अपने स्टाइल से टिकट बांटे, अपने तरीके से टिकट बांटे, जिसमें अजय मिश्रा टेनी भी थे, जिसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे भी थे, इस ये सिंपल एक पहली वजह है जिसमें 160 सीटों पर। अब आप देखिए कि जो लोग जिम्मेदार हैं बीजेपी की ये जो बैशिंग हुई है या बीजेपी के जो 303 सीटों से 240 सीटें रह गई हैं, वही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर अमित शाह मीटिंग, अगर मोहन भागवत जी मीटिंग भी कर रहे हैं योगी जी, योगी महाराज के साथ, तो योगी महाराज तो साफ साफ कह देंगे कि मेरी तो चली नहीं, मेरे कहने पर टिकट्स बांटी नहीं गई। अगर मेरे कहने पर टिकट्स दी गई होती तो कार्यकर्ता भी खुश रहता और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता, कार्यकर्ताओं से तो पूछा ही नहीं गया। उल्टा कार्यकर्ताओं को अपने काम करवाने के लिए अपने क्षेत्रों में वहां घूस देनी पड़ती थी, पैसा देना पड़ता था। सबसे बड़ा रोष का कारण ये था, उत्तर प्रदेश रहते हुए हम सब ये बात को जानते हैं। अब तीसरा सवाल ये पैदा हो जाता है कि राजस्थान में बीजेपी में भजन लाल शर्मा क्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, उनके 11 मेंबर पार्लियामेंट सीटें कैसे कम हो गई। सिमिलरली क्या मोहन भागवत जी वेस्ट बंगाल जाएंगे जहां जिस 6 सीटों का उनका नुकसान हुआ, वहां के जो प्रेसिडेंट थे, वहां के जो अध्यक्ष थे,
बीजेपी के, वो वहां क्या कर रहे थे। तो बात यही आ जाती है, क्या हरियाणा का आकलन होगा कि मनोहर लाल खट्टर वहां पे इलेक्शन लड़ रहे थे और नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर जिन लोगों ने बनाया था उनसे को पूछा जाए कि वो 5 सीटें कैसे हार गए हरियाणा में, या पंजाब के जो अध्यक्ष हैं इनके उनसे पूछा जाए कि आपने तो कहा था 4 सीटें आएंगी, यहाँ तो एक भी सीट नहीं आई हमारी, तो क्या पंजाब के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के उनसे भी और उनको रखने वाले कौन लोग हैं, इन्होंने उनको बीजेपी का अध्यक्ष अपॉइंट किया, सबसे पहला सवाल ये पैदा हो जाता है। अगर आप इन सारी चीजों का आकलन करें तो आपकी उंगली सिर्फ 2 लोगों पर जाएगी, अमित शाह और मोदी। अमित शाह और मोदी सिंगलली रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी की हार के लिए, और कोई पर इसके बावजूद भी तीसरी बार सत्ता में तो है ना, तीसरी बार कुर्सी पर तो मोदी जी ही बैठे हैं, तो क्या माना जाए कि संघ की पकड़ अब भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है? बिल्कुल सही बात है। अगर आप वेस्टर्न यूपी के अभी 2-3 दिन के पीछे के आप सारा चीजें देखें तो संगीत सोम और संजीव बालियान की लड़ाई खुल के मैदान में आ गई मुजफ्फरनगर में। संजीव बालियान ने इल्जाम लगाया संगीत सोम पर कि उन्होंने राजपूतों का वोट कटवाया, जबकि संगीत सोम का कहना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरदाना में सिर्फ 95 वोट का डिफरेंस रहा है, जबकि सबसे ज्यादा वोट से अगर वो हारे हैं तो जाट प्रधान उससे विधानसभा से हारे हैं, जिस इनका गांव खुद जहां पड़ता है बुदलाना में वहां पे इनके अपने गांव में इनको वोट इनको नहीं मिले, हालांकि बालियान खाप सबसे बड़ी खाप है और मलिक खाप नंबर 2 की खाप है। तो ये सारी चीजें वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी में आपने देखा किस तरीके से ईस्टर्न यूपी में अयोध्या में फैजाबाद में गोरखपुर में जिस तरीके से इनको इनके वोट भी कम हुए और ये इलेक्शन भी हारे, तो उसकी समीक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं, बिकॉज आप तो उनसे बात ही नहीं कर रहे थे। आपको याद होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे के इलेक्शन मीटिंग में AK शर्मा को उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री भी बता दिया था, और अरविंद कुमार शर्मा की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो अमित शाह द्वारा भेजे गए हैं सेंटर से, तो सेंटर की इंटरवेंशन यूपी में यूपी को लेकर डूबी है, ये मेन चीज आ जाती है। पश्चिमी यूपी और उत्तरी यूपी के लोकसभा में हार जो सुनिश्चित कराने वाले गद्दार हैं वो दिल्ली में बैठे हैं, वो उत्तर प्रदेश में नहीं बैठे हैं, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें एक और चीज आ जाती है, मंडल वर्सेस मंडल की राजनीति में देश की राजनीति का भविष्य जो है वो अधर में लटक गया, क्योंकि आपने कहा कि आप खुद OBC हैं, आप आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, फिर आपने 400 पार का नारा क्यों दिया, और 400 पार का नारा देके आप ही के सहयोगी, चाहे वो मेरठ में बैठे थे चाहे वो अयोध्या में लल्लू सिंह बैठे थे, उन्होंने खुद कहा कि संविधान को बदला जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होनी चाहिए। तो इसका मतलब है अंदर खाते आपने बंद कमरों में इस बात का जिक्र किया, अगर इस बात का जिक्र आपने अपने मेंबर पार्लियामेंट्स में नहीं किया होता कि संविधान बदला जाएगा या लोकतंत्र की परिभाषा बदली जाएगी तो ये सब बातें बाहर निकल के नहीं आती। तो मोदी जी ने तो खुद अपनी कब्र खोदी है, हालांकि वो इस बात से इनकार करेंगे, पर अब मेन बात ये आ जाती है कि ऐसे माहौल में जो कंसेंसस की राजनीति है, अब आपको पता है कि जून 24 को पहला पार्लियामेंट का सेशन लगना है, पार्लियामेंट के सेशन में बिल पास कराने के लिए एक रिक्वायर्ड नंबर की जरूरत होती है, भारतीय जनता पार्टी के पास वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। जिस तरह की पॉलिटिक्स इन्होंने खेली, राहुल गांधी इनसे कहते रहे कि लोकतंत्र की मर्यादा है कि ऑपोजिशन को आप साथ लेके चलिए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, हमारी लड़ाई वैचारिक है, हमारी लड़ाई पर्सनल नहीं है, पर मोदी जी ने क्या किया, उस लड़ाई को पर्सनल बना दिया। जो लड़ाई को पर्सनल बना ले वो और वैचारिक ना रखे, वो अब किस मुंह से उन लोगों से रिक्वेस्ट करके उनको बैठा के बिल पास करवाएगा। अभी तो आप देखिएगा जून 24 से जो तमाशा शुरू होगा पार्लियामेंट के अंदर, और नीतीश कुमार जो जिनको सही मंत्रालय नहीं दिए गए, उनको सिर्फ एक एनिमल हस्बेंड्री और मत्स्य पालन का मंत्रालय देके चुप करा दिया गया, वो चुप जरूर बैठे हैं पर वो मौन नहीं है, और जिस दिन उन्होंने विधानसभा भंग करने की पेशकश की और इलेक्शन की पेशकश की तो असली खेला उसी दिन शुरू हो जाएगा। जी जी, आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, अभी एक खबर ये भी आ रही है आज कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसके लिए JP नड्डा साहब ने एक कमेटी बनाई है, और भाजपा की वो कमेटी जो है जांच करने के लिए जाएगी कि ये राजनीतिक हिंसा जो है वो क्यों होती है, क्या वजह है, कौन करवाता है। हालांकि उसमें उन्होंने सीधे सीधे ममता बनर्जी को टारगेट किया है, उनका कहना है कि भाई ममता बनर्जी इस पर खामोश रहती है, तो ये क्या चुनाव में जो हार हुई है उसकी बौखलाहट है और एक तरीके से या फिर इसको भविष्य में अपना अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश के तौर पर देखा जाए कि एक बड़ी प्लानिंग होगी कि जो, क्योंकि उसमें आरोप ये भी लगाया गया है कि ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं वो वोटरों को डराते हैं,
क्या वास्तव में पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो डर के साए में हुआ, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के डर के साए में वहां पर मतदाताओं ने वोट डाला है? देखिए, जहां तक जेपी नड्डा का सवाल है, जेपी नड्डा ने तो ये भी कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं, हम अपने दम पर इलेक्शन लड़के जीत सकते हैं। वो उन 200 टर्न कोट्स की बात कर रहे थे जिनको टिकट बांटी गई, ये सोच के कि ये पहले मंत्री रहे हैं, पहले मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, और जो इनके चुनिंदा खुद के लोकसभा के मेंबर थे या सांसद थे जो तीसरी बार हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उन पे इनको ज्यादा कॉन्फिडेंस था आरएसएस से। तो जेपी नड्डा ने जब ये कह दिया हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो फिर वो किस मुंह से बीजेपी की बात कर रहे हैं? और जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, संदेश खली में क्या हुआ सबने देखा। आपने ईडी सीबीआई को भेजकर बजाय वहां के डीजीपी से बात की है, आपने सीधा सीधा वहां पे संदेश खली में उनके एक लेजिस्लेटर को अरेस्ट करने की कोशिश की, आपने उनके खुद के मिनिस्टरों को पहले डराया धमकाया, उनको कई चीजों में उनको आपने आरोपी बनाया, और उसके बाद उनको अपनी ही पार्टी में शामिल कर लिया और उनको व्हाइट वॉश कर दिया, महाराष्ट्र में जैसे अजीत पवार के साथ हुआ या अधिकारी के साथ हुआ। तो इस चीजों को जब ये चीजें हो जाती हैं, तो फिर आप ये दोषारोपण उन पर नहीं कर सकते कि भाई ये जो है कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स तो आप खेल रहे हैं। हुआ क्या इस दफा, इस कम्युनल पॉलिटिक्स में हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में, उल्टा रिवर्स पोलराइजेशन हो गई। रिवर्स पोलराइजेशन कैसे हो गई कि 95% यूपी का जो परसेंटेज आया है उसमें 95% मुस्लिम्स ने एक मुश्त जो है इंडिया अलायंस को वोट दिया, और जबकि एनडीए को मात्र 2% मिला और 4% करीब बीएसपी को मिला। यादव वोट 82% इंडिया गठबंधन को मिला, जबकि 15% एनडीए को मिला और 2% बीएसपी को मिला। जनरल वोट में 16% इंडिया अलायंस को मिला और 89% बीजेपी को मिला, 1% बीएसपी को मिला। कुर्मी कोरी 34% इंडिया अलायंस को मिला, 61% एनडीए को मिला और 2% बीएसपी को मिला। अन्य ओबीसी जो यादव रहित अन्य ओबीसी है, 34% वोट जो है वो इंडिया अलायंस को मिला और 59% जो है वो बीजेपी को मिला, जबकि 3% बीएसपी को मिला। और गैर जाटव वोट पे नजर थी इनकी, अति पिछड़ा जिसको कहते हैं, अति पिछड़े में 56% वोट इंडिया अलायंस को मिला, जबकि मात्र 29% वोट बीजेपी को मिला और 15% वोट बीएसपी को मिला। जाटव वोट में भी इंडिया अलायंस ने सेंध मारी, 44% बीएसपी को मिला और 25% इस दफा इंडिया अलायंस को मिला। तो ये जो रिवर्स पोलराइजेशन हुई गैर यादव ओबीसी की, नॉन जाटव वोट्स की जो बीजेपी में जाता था, और जाटव वोट्स की, और ये कुर्मी और कुर्मी कोरी वोट की, इन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। और इसका दारोमदार सीधा सीधा मोदी अमित शाह पे जाता है, क्योंकि वो सोशल सामाजिक न्याय की बात को समझते नहीं है, उत्तर प्रदेश की कम्युनिटीज को उन्होंने देखा नहीं। मात्र अयोध्या में मंदिर बनाने से आप सारा हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर रहेंगे, इतनी सिंपल अर्थमेटिक से अगर उत्तर प्रदेश चलता होता तो देश के सारे भावी प्रधानमंत्री इस प्रदेश से ना आते। तो बजाय उन्होंने यूपी की पॉलिटिक्स को समझने के, बजाय वहां पे सामाजिक न्याय को समझने के, वहां हिस्सेदारी देने को समझने के, और टिकट के बंटवारे में भी लेकर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से माना मानी जो बीजेपी ने की उसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता। और इसमें कोई भी गलती आप योगी महाराज की या उनके मंत्रियों की, यहां तक कि उनका एक डिप्टी सीएम भी बीएसपी से आता है, ब्रजेश पाठक जो है वहां के डिप्टी सीएम। तो अब आप ये बताइए, जब आप टर्न कोर्ट्स को डिप्टी सीएम बनाएंगे और आपके अपने आपको जो चीजें बता रहे हैं आप उस पर गहन अध्ययन नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब आरएसएस का मामला यह, आरएसएस दोनों तरफ से फंस गई है। एक तरफ से तो वो अपने कमियों को उनकी बीजेपी की कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, उनको राजधर्म की याद दिला रही है, और दूसरी तरफ 2024 में ध्रुवीकरण काम नहीं आया और रिवर्स ध्रुवीकरण काम आ गया, उसके लिए अब वो ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इनको रेप्रमांड करे। देखिए होता क्या है, जब घर में ऐसा कुछ मामला हो जाता है, घर में सेंध लग जाती है, तो आदमी पहले अपनों को ब्लेम करता है कि तुमने ताला खुला क्यों छोड़ा, तुमने ये चोरी होने क्यों दी, तुमने खिड़की खुली क्यों छोड़ी, और बाद में देखती है कि चोर का क्या करना है। अभी तो सेंध मारी हो चुकी है, तो इनको अपना आकलन करने दीजिए। पर जो निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने 250 सीटों पर मनमानी की, अपने कार्यकर्ताओं की खुद की टिकट काटी, बाहर के लोगों को टिकट देके, और वो मोदी की गारंटी, अब की बार मोदी 400 पार, इस तरीके के नारे लगा के वो बिल्कुल शाइनिंग इंडिया कैंपेन की तरह आरएसएस से इन्होंने पंगा ले लिया। अब आज बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग कराने वाला कोई नहीं, क्योंकि बीजेपी का अध्यक्ष ही नहीं है।
अगर आज संसदीय दल की मीटिंग हो जाए अगर बीजेपी की, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सारी चीजें बाहर निकल कर आ जाए। पर क्योंकि अब उस पर पर्दा डालना है, तो ये एक आरएसएस ऑपोजिशन की स्पेस को काबिज करके वो बीजेपी वर्सेस आरएसएस का नरेशन चलाकर अपनी कमियों को, बीजेपी के जितने कार्यलाप है उनको छुपाने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। जी 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 जी, अब निश्चित तौर पे ये इम्पोर्टेंट है कि अगर जो संसदीय दल की बैठक में कुछ बड़ा खेल होता है, या जब फ्लोर टेस्ट तक अगर बात पहुंचती है तो फ्लोर टेस्ट में कुछ बड़ा खेल होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि वहां उस चीज से मोदी सरकार का नहीं बल्कि एनडीए की सरकार का भविष्य टिका है, भविष्य जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आतमजीत सर इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।